मुजफ्फरनगर शहर में आज फिर कोरोना बम फूट गया। आज एक साथ 18 कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें एक नर्सिंग होम से जुड़े 4 लोग शामिल हैं। आज 18 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसमें टाउन हॉल के पास एक नर्सिंग होम के 4 स्टाफ भी शामिल हैं। 8 कोरोना पॉजिटिव केशवपुरी से मिले हैं, जो पहले मिले मरीज के संपर्क में हैं, और एक मरीज मदीना कॉलोनी, एक बच्चन सिंह कॉलोनी, एक शांति नगर, एक जिला अस्पताल, एक मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, एक मिमलाना रोड से मिले हैं। 4 मरीज आज बालाजी चौक के पास से एक नर्सिंग होम से मिले हैं, जबकि मदीना कॉलोनी और मिमलाना रोड के मरीज इलाज कराने जिला अस्पताल गए थे, जहां इनकी कोरोना जाँच की। आज जो कोरोना का रिपोर्ट जनपद मुजफ्फरनगर में आया, उसमें 18 लोग हैं जो पॉजिटिव आए हैं। इसमें 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे पुराने जो पॉजिटिव मरीज थे, उनकी जो हमने कांटेक्ट ट्रेसिंग की थी, उसमें से पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा 3 हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट के हैं, वो भी पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा 3 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे, चाहे सर्जरी से हो, डायलिसिस से हो। इन 18 को हम आज जो है बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में इनको भर्ती कर रहे हैं, और हमारी संख्या इस समय जनपद मुजफ्फरनगर 100 से ऊपर पहुँच चुकी है। और अभी जो आज लोग पॉजिटिव आए हैं, अब इनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का हम लोग कर रहे हैं। सर, मुझे अभी तक जो जितने भी लोग की मृत्यु हुई है, वो किसी न किसी बीमारी के कारण हुई है, चाहे वो डायलिसिस से हुआ हो, सर्जरी से हुआ हो, क्योंकि डायलिसिस और सर्जरी जैसी बीमारियों में इम्यूनिटी कम रहती है, तो ऐसी संख्या लगभग 7 है। 7। ताज़ा और तेज़ खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।